राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने फागू में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में लिया भाग। महिला पंचायत प्रतिनिधियों व स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से की मुलाकात। कहा, सामूहिक भागीदारी से ही स्वच्छता के लक्ष्य को किया जा सकता है प्राप्त। भाजपा के विधायक राकेश जम्वाल सहित कई प्रवक्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, अपनी गारंटियों से विपरीत कार्य कर रही है प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में उद्योगों को लगातार बंद कर रही सुखू सरकार, मुख्यमंत्री साफ करे अपनी मंशा। स्वच्छता पखवाड़े के तहत चंबा के चौगान मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने स्कूली विद्यार्थियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। बिलासपुर में वन संरक्षण अधिनियम की समीक्षा बैठक का आयोजन। सभी विभागीय अधिकारियों को वन विभाग के साथ तालमेल बिठाते हुए FCA के लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे के दिए निर्देश। कांगड़ा में जिला स्तरीय निक्षय दिवस कार्यक्रम व TB उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी ने की बैठक की अध्यक्षता। कहा, निक्षय पोर्टल पर सभी निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक चिकित्सकों का होगा पंजीकरण। लाहौल स्पीति में जिला परिषद के उपचुनावों से संबंधित मतदान कर्मियों के लिए रिहर्सल का आयोजन। जिला में 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे उपचुनाव। प्रदेश में आज मौसम साफ, कल से मौसम बदलने के आसार। 26 व 27 सितंबर को प्रदेश में अंधड़ व बारिश का अलर्ट।